कौर मैं प्रियांशु सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बुक्यू सीट नाव पर तो आज हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि फ्लोट हो रही है बहुत सारे लोगों के बीच में टेलीग्राम ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप्स कि इन्फॉर्मेशन एक आई थी आपकी थर्टीन ऑफ जुलाई को कि कर्नाटका स्टेट ने वेलकम करने के लिए तैयार हैं आपके एन बिल को लेकर उसी को लेके अब बहुत ज़्यादा क्योसिटी बच्चों के बीच में बढ़ गई है कि क्या होने वाला है आपका नाटका क्या चाह रही है क्या करना चाह रही है क्या नहीं करना चाह रही है इसी को लेके अब अफरा तफरी का माहौल बन गया है बच्चों के बीच में अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स पे उन लोग ये चीज़ों को शेयर कर रहे हैं जो एक आर्टिकल रिलीज हुआ था उसको लेकर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है तो चलिए इसी वीडियो इसी आर्टिकल को हम समझते हैं थोड़ा डीप में कि क्या उस आर्टिकल में ऐसा था जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और क्या हो सकता है उसका सरकमस्टेंसेस जो कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आर्टिकल था वो इशू हुआ था आपका थर्टीन ऑफ जुलाई को उस टाइम इसको इतना नहीं लिया गया था लेकिन अब अब क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप्स में जैसे जैसे ये चीज़ फ्लो होने लगी फ्लोट होने लगी वैसे ही वैसे ही इसमें अफरा तफरी का माहौल बन रहा है इस आर्टिकल में ऐसा क्या था कि जिसके वजह से लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो गए इस आर्टिकल में ये लिखा था कि जो हमारे कर्नाटका स्टेट के सेक्रेटरी थे उन्होंने ये कहा था कि हम एनएमसी बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोस्ट वेलकम है हम इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं लेकिन उसमें हमारी कुछ शर्तें रहेंगी अगर वो एन हमारी मानती है तो फिर हम वेलकम करने के लिए रेडी हैं बिल्कुल रेडी हैं कोई इशू नहीं है उनकी शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर गवर्नमेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 50 परसेंट सीट्स वो गवर्नमेंट की सीट्स अपने अंडर में ले रही हैं और उसकी फ़ीस वो गवर्नमेंट के हिसाब से कर, दे, कर देंगी तो उनको उसमें कोई इतराज़ नहीं है लेकिन उन्होंने यह कहा था लेकिन जो हमारी रिमेनिंग सीट्स है उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए हम उस पर मैनेज करेंगे कि कितनी क्या फीस रहेगी क्यों क्योंकि इसमें यह चीज़ देखने वाली है क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि कर्नाटका में दो तीन तरीके की फीस ली जाती है एक तो गवर्नमेंटल फीस जो सेवन लैक्स होती है एक प्राइवेटल फीस जो आपकी अलेवन लैक्स के अराउंड होती है और कुछ आपकी होती हैं मैनेजमेंट सीट्स जो कि आपकी एन आर आई सीट सीधे कह दीजिए वो होती है ठीक है तो इसमें यह कहा है कि आप गवर्नमेंटल जो सेवन लाइक है उसमें आपको जो कंसेशन करना आप करिए हमको कोई इशू नहीं है कोई एतबार नहीं है लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो उसमें जो फिफ्टी परसेंट सीट जो हमारे पास बचेंगी उसमें हमारा अधिकार रहेगा अगर वो ग्यारह लाख है तो हम अराउंड उसको बढ़ा के ट्वेंटी तो लैक्स कर सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हमारी लास्ट ईयर अगर उसके पहले भी देखा जाए तो हमारी काफ़ी ज़्यादा वैकेंट सीट्स रह गई थी चाहे हम नीट पी की बात करें चाहे हम यू की बात करें अगर पी की बात करते हैं तो सिक्स के की अप्रॉक्स उनकी वैकेंट सीट रह गई थी आपकी सिर्फ पी में और अगर यू की बात करते हैं तो यू में अप्रॉक्स नाइनटीन थाउजेंड के अराउंड सॉरी नाइनटीन थाउजेंड नहीं आ, इट्स अराउंड ट्वेंटी इट्स अराउंड इट्स अटाउन पंद्रह सौ के अराउंड वन फिफ्टी हंड्रेड के अराउंड उनकी वैकेंट सीट रह गई थी अगर हम यू जी की बात करते हैं इस क्यों रही क्योंकि वहाँ पर क्या कम्पेरेटिवली हाई उनकी फ़ीस रहती है अगर मैनेजमेंट की एन आर आई की सीट्स की बात करें या मैनेजमेंट सीट्स की बात करें वहाँ पर तो हर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कोई पॉसिबल नहीं हो पाता कि वहाँ पर सीट में एडमिशन ले सके इसलिए उनकी हर साल सीट्स वैकेंट रह जाती हैं उसी को देखते हुए कर्नाटका स्टेट ने यह कहा है कि हम उसमें भी ध्यान देंगे कि वो कोशिश करेंगे कि हमारी जो ये सीट्स हैं वो वैकेंट ना बचे चाहे वो यूजी की हो चाहे वो पीजी की हो पीजी में क्या है कि कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसकी फीस है आपकी फिफ्टी लाख लैक्स जा रही हैं पर पर ईयर बट सबको अफोर्ड करने की चीज़ लाइक नहीं है कि वो उतनी चीज सीटें भर सकें उतनी फीस भर सकें इसलिए वहाँ पर क्या है कि सारी सीटें वैकेंट जा रही हैं इसको लेकर भी कर्नाटका स्टेट के लोग काफ़ी गवर्नमेंट की काफ़ी परेशान है कि इसको भी उनको नज़र आउट करना है और उसी के अकॉर्डिंगली फिर उनको आगे स्टेप लेना है और एक एन एम सी बिल्कुल लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो गई हैं उनके बीच में और डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात बात करते हैं तो उधर उन्होंने भी यही चीज़ सेम चीज़ कही है कि अगर अब हमारी फिफ्टी परसेंट सीट ले रहे हैं गवर्नमेंट में तो हमको जो रिमेनिंग सीट है उस पर हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए और जो भी हम फीस रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे एडमिशन प्रोसेस रहेंगे तो ये चीज़ आपकी उठ के आ रही कर्नाटका स्टेट की तरफ से अभी लेकिन अभी तक ये चीज़ फॉरवर्ड कर दी गई है एनएमसी को लेकिन अभी वहां से कोई अपडेट नहीं आया जैसे कोई अपडेट आता है उसको रिलेटेड हम अब तक वीडियो ले आएंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही हमसे जुड़े रहें धन्यवाद